हेलो, मैं विकास, आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और किस तरीके से, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरीके से पेपर में हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, कैसे किस तरीके से हम इनको पेपर में करते तो सभी लोग हैं, डी इक्वल टू एस इंटू टी लगा लेते हैं, उसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जब क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो यही नहीं समझ पाते हैं कहाँ पर टाइम हमारा कांस्टेंट हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट हो रही है, कहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाना है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, और आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ समझ लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, मतलब डी इज इक्वल टू डिस्टेंस, एस स्पीड और टी टाइम। डी इक्वल टू एस इंटू टी, यही एक फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पे हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हमारा सेम यही रहता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखिए, डी इक्वल टू एस इंटू टी में सबसे पहले पहला केस हमारा क्या बनता है, केस वन, हम देखते हैं कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है, यानी कि दूरी अगर हमारी क्या हो जाएगी, अगर दूरी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, अगर उसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो उस केस में स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि इस केस में क्या हो जाता है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब समझिएगा, इसका ये हुआ कि अगर आप डेली अपने ऑफिस से घर जाते हो और एक ही रास्ता आने और जाने में या डेली आने जाने में आप उसे यूज करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने बाइक की या कार की स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर स्पीड कम कर दोगे तो देर से पहुंचोगे। यानी कि स्पीड बढ़ाने पर टाइम हमारा कम हो रहा है और स्पीड कम करने पर टाइम बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा ये रहता है कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम कैसे कांस्टेंट हो जाए, जैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी समझने की कोशिश करें, जहाँ भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट्स बनता है कि जितने समय में ये वहाँ पहुँच जाएगा उतने समय में ये वहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि जितने उतने, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में ये थॉट जरूर बनेगा कि जितने समय में ये वहाँ पहुँच जाएगा उतने समय में ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो जितने उतने का समझ लो कि वहाँ पर टाइम हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अगर टाइम हमारा वहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत चली जानी चाहिए कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू एस वन अपॉन एस टू। इनको बहुत अच्छे से समझिए, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे के हम लोग। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर आ जाएगा, बस ये समझ लीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अच्छे से चला गया तो, वरना आप डी इक्वल टू एस इन टू टी लेकर चलोगे तो आंसर तो तब भी आता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ता है, तो वो ही आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ने की कोशिश करो उसे। केस थ्री की बात करते हैं, तो केस थ्री में हमारा क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट है, यहाँ डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो आप स्पीड को कर देते हैं। स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन है और वो ट्रेन जा रही है, वो किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तब भी उसकी स्पीड वही रहेगी, और वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब भी उसकी स्पीड वही रहेगी, और वो टनल को क्रॉस कर रही है तब भी उसकी स्पीड सेम रहेगी। यानी कि कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और डिस्टेंस ऐड हो जाएगी प्लेटफॉर्म की उसमें, जो कि मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा रिलेटिव डिस्टेंस में उस चीज़ को। अगर वो किसी पोल को, सिग्नल पोल को क्रॉस कर रही है या किसी पर्सन को क्रॉस कर रही, तो उस केस में क्या होगा, वो निग्लिजिबल हो जाएगी, तो उसकी डिस्टेंस हम लेकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो रही है, और जब स्पीड कांस्टेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखा तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसको मैंने देखा तो डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू।
क्लियर है बात। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई ट्रेन है वो किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, अगर सपोज कर लेते हैं कि 15 सेकंड में, तो वही ट्रेन अगर किसी टनल को क्रॉस करेगी तो समझ लो उसे समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस टनल की भी लेंथ उसमें ऐड हो जाती है। पहला तीन केस आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट केस हमारे पास आता है, इम्पोर्टेंट केस नहीं कहेंगे, एक कन्वर्जन है कि किस तरीके से हम मीटर पर सेकंड को किलोग्राम पर आर्ट्स में चेंज करते हैं, किलोग्राम पर आर्ट्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, और ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि जिस तरीके से आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आर्ट्स को मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर्ट्स में। तो यहाँ पर देखिएगा कि किलोमीटर पर आर्ट्स लिखा हुआ है, अगर इसमें 5/18 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ 5/18 कहाँ 18/5। सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज होते हो, तो एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि किलोमीटर में आप के और एम को देखोगे तो दो लिखे हुए हैं, तो दो को नीचे दो वाले ही काटेंगे, यानी कि 1 और 8 लिखा हुआ है। तो इससे आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कभी भी मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आर्ट्स में करना है तो 18/5 का कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आर्ट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका यूज होगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है। आपने यहाँ पर समझ लिया कि केस 1 केस 2 केस 3, इसके बाद आपने समझ लिया कि किस तरीके से किलोमीटर पर आर्ट्स को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर्ट्स में चेंज करते हैं। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि एक रिलेटिव डिस्टेंस होती है और एक रिलेटिव स्पीड होती है। तो रिलेटिव डिस्टेंस में हम क्या चीज़ समझेंगे उसको समझो, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या फिर डायरेक्शन अपोजिट, यही तो दो होंगी। जैसे कि सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन, अगर रिलेटिव डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा ट्रेन में बनता है, तो ट्रेन में अगर ये बनता है तो वहाँ पर अगर दोनों ट्रेन पैरेलल जा रही होंगी तब भी क्रॉस करेंगी, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी तब भी वो एक दूसरे को क्रॉस ही करेंगी। तो दोनों ही केस में हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है कि d1 + d2, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी अगर बात करेंगे तब भी यही होता है d1 + d2। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, यानी कि चाहे ऑब्जेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन से आके क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में जाके क्रॉस करे, दोनों ही केस में क्या हो जाता है, दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम रिलेटिव स्पीड को समझेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड को समझते हैं, तो समझते हैं रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति, इसको समझिएगा अच्छे से। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई ट्रेन है, कार है, या कोई पर्सन है, कोई भी है, जिनकी स्पीड कुछ ना कुछ दी गई है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक की स्पीड s1 है, दूसरे की स्पीड s2 है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, अगर सेम डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि रिलेटिव स्पीड में इन दोनों की स्पीड जो होती है वो माइनस कर दी जाती हैं। क्या हो जाती हैं? माइनस, यानी कि डिफरेंस ले लिया जाता है दोनों का, तो s1 - s2। इनको मॉड में बंद क्यों कर देंगे? क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उस केस में क्या होता है, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं और मॉड में इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, एक की स्पीड s1 है, एक की s2 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी s1 + s2, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। एक दूसरे साइड से आ रहा है, एक दूसरे साइड से आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही लोग एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे होंगे, तो उस केस में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, वही हमारी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। बात समझ में आ गई इतनी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो क्या है हमारा कि इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्रॉस करता है किसको, या तो ट्री को क्रॉस करेगा, या पर्सन को क्रॉस करेगा, या सिग्नल पोल को क्रॉस करेगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्जेक्ट भी मैक्सिमम केस में आप देखोगे तो ट्रेन ही आपको मिलेगी, ज़्यादातर ट्रेन ही आपको मिलती है। तो एक आप या तो ट्री समझ लीजिए या
पोल समझ लीजिए या कोई पर्सन, ठीक है, इनको अगर क्रॉस करेगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अपने बराबर ही करेगा। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? अपने बराबर ही करेगा जितनी उसकी खुद की डिस्टेंस होगी। मान लेते हैं डी है तो डी ही कवर करेगा, ठीक है। जैसे सिंपल से केस में आपको समझा देते हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे कि ये मान के चलो कि ये एक पोल है, ठीक है, और ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है और इसको ये क्रॉस करेगी, तो यहाँ से क्रॉस करना चालू कर रही है और यहाँ पर जाके क्रॉस कर देगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? ये अपने बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये यहाँ से क्रॉस कर रही है, इतनी क्रॉस कर जाएगी तो अपने बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस कवर कितनी करेगी? खुद के बराबर। लेकिन अगर दूसरे केस में इसको लेकर चलते हैं, दूसरे केस में अगर इसको लेकर चलें, यही ऑब्जेक्ट अगर क्रॉस कर रहा है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी खुद की कोई डिस्टेंस है, जिसमें हमारा कौन कौन सा हो सकता है? प्लेटफॉर्म हो सकता है, या इसके अलावा हमारा टनल हो सकती है, या फिर ब्रिज हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी खुद की कोई डिस्टेंस, एक और ट्रेन हो सकती है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है। वैसे ट्रक और कार की कभी भी डिस्टेंस को हम लेकर नहीं चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस आपको दे दे उसकी, तो उसको लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कि ये एक प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आई तो यहाँ से क्रॉस करना चालू करेगी, किस जगह से? इस पॉइंट से वो क्रॉस करना चालू कर गई, लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी और इतना क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, जिसमें खुद की भी डिस्टेंस है और उसके प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस है, तो दोनों ऐड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपकी एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और ये इस तरीके से आई और इसको क्रॉस कर गई यहाँ से, तो इस केस में भी क्या हुआ, ये दोनों की स्पीड, मैंने दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दिया, उतनी डिस्टेंस कवर की उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि अगर इसकी मैं डी वन मान लेता हूँ, तो डिस्टेंस कवर कितनी करेगा, डिस्टेंस कवर कितनी करेगा, डी वन प्लस अगर प्लेटफॉर्म को करेगा तो पी ऐड हो जाएगा, या जो भी उसकी डिस्टेंस होगी, अगर टनल को करेगा तो टी मान लेते हैं, और अगर ब्रिज को करेगा तो बी मान लेते हैं, जो भी इनकी डिस्टेंस होगी वो ऐड हो जाएगी, ये इनका क्या बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। बात समझ में आ गई होगी इतनी आपको, तो ये टोटल मैंने आपको समझाया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया और इसके अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो समझ लीजिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, चाहे वो आपके किसी भी पेपर का हो, मेंस लेवल का हो, प्री लेवल का हो, या कोई भी हो, आप बड़े आसानी से कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे यही लगते हैं। समस्या सबसे बड़ी आप लोगों में यही होती है कि आप लोग करते क्या हो, कि केवल जादू वाली ट्रिक को देखते हो, और जादू वाली ट्रिक से पेपर नहीं निकलते हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ आप देख लेते हो और ये कहते हो कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उनसे कुछ होता जाता नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों में चलना चाहिए, तो उससे होगा क्या कि आप क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होगा, जिससे क्या होगा, जब दो कभी भी दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, और जब कभी भी दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, ठीक है। तो समझिए अच्छे से इस चीज़ को। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन समझते हैं, और जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इन्हीं से रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, और किस तरीके से इनका यूज करेंगे ये आप समझ पाओगे। और बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो मैंने ऐसे उठा लिए हों कि आपके किसी छोटे छोटे एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो आपका SSC हो, SSC प्री हो, CPO हो, जैसे कि CPO का पेपर आने वाला है, CPO हो, या फिर SSC का मेंस हो, इन सभी में वो क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है, और सभी के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप उसे पढ़िए और वीडियो को पॉज करके उसे करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसा कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से पेपर में उसे हल करते हैं, ये चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। करने के तो बहुत तरीके हैं, आंसर आप निकाल लोगे बहुत तरीके से जुगाड़ लगा के इधर उधर, लेकिन सही मेथड क्या होता है, जिस मेथड को पढ़ के आप सिलेक्शन लोगे, कौन सा मेथड पढ़ना है, सिलेक्शन वाला मेथड पढ़ना है आपको, जिससे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो करने की कोशिश करिए और मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए कार हैज कवर्ड टू 24 किलोमीटर आफ्टर 1 hour 40 minutes, इट फाइंड्स दैट इट्स कवर डिस्टेंस इज 5/7 पार्ट ऑफ इज रिमेनिंग डिस्टेंस, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। मतलब जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक गाड़ी है वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे, ठीक है, कितनी टोटल 24 किलोमीटर की टोटल दूरी उसे तय करनी है, और 1 hour 40 minutes चलने के बाद वह पाता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 भाग है। यानी कि उसने ये देखा कि 5/7 भाग है, इसका मतलब उसने जितनी दूरी चल ली उसके बाद जो दूरी बची हुई है, उस बची हुई दूरी का 5/7 भाग उसने चल लिया,
तो ये बताना है कि उसने वो जो दूरी कवर की है वो एक घंटे 40 मिनट में की है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज बढ़िया दी गई है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको करना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5/7 भाग, यानी कि 5/7 पार्ट, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है वो हमेशा ऑफ के पास की वैल्यू होती है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, हम बची हुई दूरी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये 7 जो पार्ट हो गया ये रिमेनिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो बची हुई दूरी है वो हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई है, ठीक। इसके बाद ये ऊपर वाला है जो कवर कर लिया गया, यानी कि चल लिया गया है जो, तो ये 5 हमारा क्या हो गया, ये आपने कवर कर लिया डिस्टेंस। तो ये बताओ कि इतनी तो आप चल चुके हो और इतनी बची हुई है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो टोटल होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू मी 12, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितनी दी गई है आपको, ये 24 दी गई है, तो 12 किसके इक्वल हो गया 24 किलोमीटर के। समझ में आ रही बात आपको, 12 किसके इक्वल हो गया 24 किलोमीटर के। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 किलोमीटर, किसके इक्वल आ गई 2 किलोमीटर के। समझ में आ रही बात आपको, तो उसने कवर कितनी की है, 5 यूनिट कवर की है, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 10 किलोमीटर, कितनी हो गई 10 किलोमीटर। बात समझ में आ गई, यानी कि हमने पता कर लिया कि उसने स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर दूरी तय की है। जब 10 किलोमीटर दूरी उसने तय की है तो एक बात याद रखिए कि 10 किलोमीटर के लिए उसने समय कितना लगाया है, समय उसने लगाया है 1 आवर 40 मिनट, कितना लगाया है 1 आवर 40 मिनट, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 40 को हम लिख सकते हैं 1 + 40/60, 0 से 0 गया 2/3, और ये कितना आ जाएगा 5/3 आवर्स, यानी कि 10 किलोमीटर चलने में आपको 5/3 घंटे लग रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस यानी कि 10, 5/3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर्स। समझ में आ गई बात आपको, कैसे 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने वो दूरी कवर की होगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, केवल लैंग्वेज का ही खेल था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये सब कुछ मन में हो सकता है जितना भी मैंने आपको लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन में, सॉरी बहुत बार आया हुआ है ये पेपर में, और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, और ये डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, मैं तो ये भी कहूँगा कि इसका अगर आप आंसर अगर दिमाग में रख सकते हो तो रख लेना, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, चाहे रेलवे हो या SSC हो, इवन बैंक तक में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि साबरमती एक्सप्रेस के इंजन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, अब साबरमती की जगह कुछ भी लिख कर आ सकता है, ठीक है, चंबल एक्सप्रेस लिख कर आ सकता है, या फिर कुछ और आ सकता है, राजधानी एक्सप्रेस लिख कर आ सकता है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ भी आ जाए, मतलब नाम से आपको नहीं सोचना है कि आप कहोगे नहीं साबरमती नहीं आया, क्वेश्चन अलग हो गया, ये कोई बात नहीं होती है, बोलते हैं लड़के कि सर 24 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर लिख के आ गया था, तो ये कोई अलग थोड़ी हुआ क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट समझो। साबरमती एक्सप्रेस के इंजन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है जब कोई भी कंपार्टमेंट जुड़ा ना हो, कुछ नहीं जुड़ा है उसके साथ, गति में कमी कंपार्टमेंट की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, जब 9 कंपार्टमेंट जुड़े हों तो ट्रेन के इंजन की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अधिकतम कितने कंपार्टमेंट इंजन से जुड़ सकते हैं, मतलब जिससे कि ट्रेन चलती रहे, यानी कि बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे उसके साथ हम डिब्बे जोड़ते जा रहे हैं उसकी गति कम होती जा रही, इंजन थोड़ा सा हल्का होगा, है ना, काम नहीं कर रहा होगा, है ना, तो देखो जैसे जैसे हम डिब्बे उसमें जोड़ते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, उसकी गति कम होती चली जा रही है, और वो भी कैसे है, वो भी उसके वर्गमूल के समानुपाती है, वर्गमूल के समानुपाती है। तो देखिए सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि स्टार्टिंग में कितने टोटल उसकी स्पीड थी 42 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्टार्टिंग में थी, अब हुआ क्या बाद में कुछ डिब्बे जोड़ दिए गए तो उसकी स्पीड रह गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 42 से 24 रह गई, यानी कि कितने की कमी आ गई, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। किस वजह से कम हो गई, क्योंकि उसने 9 डिब्बे उसमें जोड़ दिए, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से अगर देखें तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
ये स्क्वायर रूट ऑफ सी, सी का मतलब मैं ले लेता हूं कंपार्टमेंट, ठीक है। तो जब ये एस इजक्वल टू, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एस इजक्वल टू के रूट के अंदर सी, के क्या है यहां पर, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब कभी भी हम ऐसा साइन हटाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का साइन, आपने बहुत पढ़ा होगा नाइन्थ और टेंथ क्लास में, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन। जब इसको हटाते हैं तो एक हमको क्या लेकर आना पड़ता है, कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है, वो क्या है के है, ठीक है। अब यहां पर एस की वैल्यू अगर 18 रह गई और उस कंडीशन में कंपार्टमेंट, यानी कि कितने डिब्बे जोड़े गए उस कंडीशन में, 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, 3 से इसको काट दोगे तो k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई, सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, मैंने k निकाल लिया। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं समानुपाती वाले या व्युत्क्रमानुपाती वाले, तो हमेशा याद रखना उसमें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको फाइंड करने की कोशिश किया करो पहले केस से। अब उसने बोला कि मुझे ऐसे कितने डिब्बे जोड़ सकते हैं कि गाड़ी चलती रहे, तो एक बात बताओ कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहले चल रही थी, तो अब क्या करो, सेकंड केस में आप यहां पर रख दो 42, के की वैल्यू आपको मिल गई 6 और रूट सी आप यहां रख दो। अब मैं सी से 6 से इसको काटूंगा तो 7 आ गया, तो 7 इक्वल टू रूट सी, सी फोर कंपार्टमेंट, और सी इक्वल टू कितना आ गया यहां पर 49। अब कुछ लोगों का दिमाग चलेगा सर प्लस माइनस 49 क्यों नहीं लिया, होते हैं ना कुछ लोग दिमाग चलता है उनका, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, कंपार्टमेंट माइनस में नहीं होंगे, है ना, प्लस में ही होंगे, तो 49 हो गया, तो सी बराबर 49 हो गया यहाँ पर। अब एक बात बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 49 डब्बे उसमें जोड़ दोगे तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, लेकिन हमको जीरो स्पीड तो करनी नहीं है, हमको चलाते रहना है ट्रेन को, तो 49 में से एक कम कर दो, कितने डिब्बे जोड़ दोगे आप उसमें, आप 48। जैसे ही आप ट्रेन में 48 डिब्बे आप अटैच करोगे, वैसे ही उसकी स्पीड 42 से कम होके सिर्फ इतनी रह जाएगी कि जैसे ही आप एक और डब्बा उसमें जोड़ोगे ट्रेन रुक जाएगी, चलना बंद कर देगी, ठीक है। बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार समझो, दो बार समझो, तीन बार समझो, बार बार इसको बैक जाके समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी क्यू आर 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में चलते हैं, उनमें आर एक निश्चित समय पर चलना आरंभ कर देता है, यानी कि तीनों के चलने का समय बताया गया है 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि इस केस में है क्या आपके किलोमीटर, यानी कि आपकी डिस्टेंस फिक्स कर दी गई है, और डिस्टेंस फिक्स होती है तो आप जानते हो कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में जैसे हमसे कहा गया है कि 1 किलोमीटर चलने में टाइम की अगर मैं बात करूं तो तीन लोग हैं, पी है, क्यू है, आर है, तो तीनों को, तीनों भाई साहब को लिख लो पी, क्यू और आर, ठीक है। पी को चलने में कितना समय लगता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। अगर मैं इनका रेशियो निकालने जाऊंगा तो 5:8:10 निकलेगा। अगर मैं इनके स्पीड का रेशियो बनाना चाहूंगा तो ये कैसे बनेगा, तो देखो बनाने का तरीका आपको बता देते हैं कि कभी भी इन्वर्सली रेशियो बनाना होता है तो इनका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 40। आई बात समझ में, एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे 10, 8, 5, इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा मल्टीपल है उसको ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 का किया तो 5 आ गया, और 10 का किया तो यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 8, 5 और 4। ये बात समझ में आ गई आपको, पी क्यू आर की स्पीड 8, 5 और 4। अब इन तीनों भाई साहब को यहाँ पर लिख लो, पी क्यू और आर, तीनों को लिख लो यहाँ पर। अब उसने सबसे पहले बोला है कि आर सबसे पहले चलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि आर एक निश्चित समय पर चलना प्रारंभ कर देता है यहाँ से, और इस आर के 1 मिनट के बाद कौन चलता है, आर के, जैसे कि लिखा हुआ आर एक निश्चित समय पर चलना आरंभ कर देता है, क्यू उस बिंदु से 1 मिनट बाद चलता है, यानी कि क्यू जो चलता है वो इसके 1 मिनट के बाद चलता है, 1 मिनट के बाद चलता है, ठीक है। और पी है वो कितने के बाद चलता है, पी 2 मिनट के बाद चलता है इसके, यानी कि पी चलता है इससे 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहां से, कि अगर मैं ये कहूं कि पी इसके पीछे भागेगा, जैसे मान लो आर एक चोर है और चोरी करके भाग गया, एक पुलिस स्टेशन क्यू है और एक पी है, क्यू वाले को जब पता चला तो वो 1 मिनट के बाद ही उसके पीछे भागना चालू किया, और जब पी वाले को पता चला तब तक ये 2 मिनट भाग चुका था, यानी कि ये टोटल 2 मिनट भागा, यानी कि यहां से यहां तक ये पहुंचा तो ये 8 किलोमीटर भाग चुका था। क्यों?
क्योंकि अगर मैंने इनकी स्पीड का रेशियो ले लिया 8, 5 और 4, तो 4 यानी कि 4 किलोमीटर में लेकर चल रहा हूँ मैं, और 4 यानी कि डबल कर दिया तो 8 किलोमीटर ये भाग गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब इस बात करते हैं यहाँ पर कि अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब कंपेयर टू पी, पी के कंपेयर में अगर बात करें क्यूब की, तो एक मिनट ये भी आगे भाग चुका है इससे, तो ये कितना आगे खड़ा हो गया जाके, 5, ये 5 खड़ा हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा बड़े ध्यान से कि आपने देखा कि यहाँ पर R कितना आगे खड़ा हो गया है जाके 8, और क्यूब कितना खड़ा है 5, और P अभी स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैं ये देखता हूँ कि क्यूब R को कितने समय में पकड़ लेगा। पहली बात ये है कि क्यूब R को कितने समय में पकड़ लेगा, लेकिन क्यूब के लिए तो ये केवल 4 किलोमीटर ही आगे पहुँचा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्यूब के लिए ये सिर्फ 4 किलोमीटर आगे पहुंचा है, और पी के लिए ये 8 किलोमीटर आगे पहुंच गया, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जैसा कि दिख रहा है कि पी क्यू आर 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में चलते हैं। उनमें से आर एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, क्यू उस बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और पी उस बिंदु से आर के 2 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है। तदनुसार पी क्यू तथा आर को कितने समय पकड़ लेगा, यानी कि पी क्यूब को कितने समय में पकड़ लेगा और पी आर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पी क्यूब को कितने समय में पकड़ लेगा, इसका टाइम देख लेते हैं पी क्यूब को। तो एक बात बताओ, ए से 5 आगे खड़ा हुआ है, 5 आगे खड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो डिस्टेंस में हम बात करें तो ए से 5 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है, और अगर मैं स्पीड में बात करूँ तो पी और क्यूब के स्पीड कितनी है, 5 है, और इसकी कितनी है, 8 है। जब एक दूसरे की तरफ चलना चालू करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाया, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हुई बात आपको? इनकी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनकी 5/3 कितने समय में पकड़ लेगा, 5/3 समय में पकड़ लेगा। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, इसको और सही लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/2 आवर्स, आवर्स नहीं मिनट, बात मिनट की हो रही तो मिनट। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात आपको? इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पी आर को पकड़ लेगा। यानी कि मैंने देखा कि आर 8 किलोमीटर आगे भाग चुका है, यानी कि पी मान लेते हैं कि एक पुलिस वाला है, और एक आर है वो चोर है, आर 8 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है, अब पी को उसे पकड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी आर को तभी पकड़ पाएगा जब वो 8 किलोमीटर का जो दोनों के बीच में गैप आ गया है, वो गैप को वो फिलफिल कर ले। अब कैसे करेगा वो, उसके लिए उसे तेज दौड़ना पड़ेगा। तो कितना तेज दौड़ रहा है, आर की स्पीड है दौड़ने की 4 किलोमीटर, और इसकी पी की है 8, तो इससे हर घंटे या हर मिनट में कितने यूनिट ज़्यादा दौड़ रहा है, 4 यूनिट ज़्यादा दौड़ रहा है। तो 8 यूनिट दौड़ने के लिए उसे कितनी मिनट लग जाएंगी, 2 मिनट लग जाएंगी। बात समझ में आई आपको? कितनी मिनट लग जाएंगी, 2 मिनट लग जाएंगी। तो जैसा कि आपने दोनों आंसर देखे, पहला आंसर आ गया कि पहले वाले को पकड़ने में, पी को क्यूब को पकड़ने में 5/3 मिनट लगेंगे, और पी को आर को पकड़ने में 2 मिनट लगेंगे। सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कब हमारी रिलेटिव स्पीड लगती है, कब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है, और हर बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब करें, कैसे करें, गोलियाँ चल रही हैं। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, जैसे ये कॉन्सेप्ट था आपका उसी तरीके का ये एक कॉन्सेप्ट है। बस इसमें होता क्या है कि आपको कहीं वो गोली चलवा देता है, कहीं वो ये कहता है कि यहाँ से एक फायर किया और वहाँ तक सुनाई देने में इतना हुआ। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू कुछ ऐसी ले लेता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है जिनको आप सुन के और उनका यूज करे क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हो। वही सिंपल भाषा में अगर बात करें ना, कार, ट्रक, चोर, पुलिस, तो उस पर क्या होता है कि आप आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो। तो अपनी थिंकिंग को कुछ उसी तरीके से बना लिया करो तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी बार रिपीट होता है। SSC का तो फेवरेट मान के चलिए, मतलब उसे तो प्यार है इस क्वेश्चन से, जो भी पेपर बनाता है तुरंत डाल देता है। ठीक है, एक दो सेट में आपको मिल ही जाएगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, देखो पढ़ते हैं। एक ही स्थान से 2 गोलियां 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर दागी गई। जैसे कोई एक स्थान है, ठीक है, कोई स्थान है, डाकुओं वाली जगह होगी कोई,
वहाँ से गोली दागी गई 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर। यदि अपनी कार से उस स्थान की ओर एक व्यक्ति को वो दो आवाज़ें 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती हैं, यानी कि एक यहाँ से कोई पर्सन आ रहा है कार में बैठ के, यहाँ से जब गोली चलाई गई तो उस पर्सन को पहली बार में वो गोली सुनाई दे गई 28 मिनट 30 सेकंड में, 28 मिनट 30 सेकंड में सुनाई दे जानी चाहिए अगर वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही दूसरी गोली चली तो एक्चुअल में तो अगर वो यहाँ खड़ा रहता तो उसे दूसरी गोली भी 28 मिनट 30 सेकंड में ही सुनाई देती, लेकिन कहाँ है भाई, भारत है ना ये, तो गोली चली होगी तो उसका मन हुआ होगा देख कर आते हैं कहाँ से गोली चली, तो इधर की तरफ वो भागा। जब वो इधर की तरफ भागा और इधर से गोली चलाई गई तो वो पर्सन को वो गोली 27 मिनट में ही सुनाई दे गई, यानी कि उस पर्सन को वो गोली 27 मिनट में सुनाई दे गई, यानी कि उस गोली का 1 मिनट 30 सेकंड का समय कहाँ गया, उस गोली का 1 मिनट 30 सेकंड का समय उस आदमी ने तय कर लिया। यानी कि मतलब बात समझ में आई कि यहाँ से यहाँ तक इस आदमी को पहुँचने में 27 मिनट लगे होंगे, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गोली को पहुंचने में कितना समय लगता, 1 मिनट 30 सेकंड। बात समझ में आ रही है ना आपको, यानी कि यहां से यहां तक ये आदमी पहुंचा 27 मिनट में, तभी तो उसे गोली 27 मिनट में सुनाई दी, लेकिन यहां से यहां तक गोली पहुंचती सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में। अगर वो वहीं खड़ा रहता तो उसे 28 मिनट 30 सेकंड में वो सुनाई दे जाती गोली, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही कि जितने समय में ये यहां पहुंचा उतने समय में ये यहां पहुंचा, क्लियर हो रही बात आपको, जितने समय में ये वहां पहुंचा उतने समय में ये यहां पहुंचा, ठीक है। तो देखिए यहां से हम सीधा सीधा एक बात बोल सकते हैं कि जो आदमी है डिस्टेंस ऑफ कार है ना, डिस्टेंस ऑफ कार कवर करती है 27 मिनट में जितनी, वो इक्वल है हमारे डिस्टेंस ऑफ बुलेट कितने में करती है ये कवर, 1 मिनट 30 सेकंड। क्लियर है बात आपको इतनी, तो यहां से आप देखिए 27 मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं डी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, यहां से आप देखो तो 1 मिनट 30 सेकंड, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई 2 को हम क्या लिख लेते हैं, 3 बाई 2, और ये कितना लिख लेते हैं 27 मिनट। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां से आप एक बात बताओ मुझे कि अगर डिस्टेंस आपकी कॉन्स्टेंट है, तो अगर डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यही बात मैं बोलने वाला था यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम के केस में इसको लेकर चलूँ, अगर मैं टाइम के केस में लेकर चलूँ इसे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कार और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बुलेट। तो एक चीज़ बताओ आप यहाँ पर कि कार कितने समय में, कार को टाइम कितना लगता है कवर करने में, भाई 27 मिनट लगते हैं। उस केस में इसको कितना समय लगता है, अभी मैंने निकाला 3/2 लगता है, ठीक है 3/2 लगता है। अगर मैं इसका रेशियो बनाना चाहूँ तो यहाँ 9 आ जाएगा और इसको मैं लिख दूंगा 18/18:1। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है। यानी कि टाइम का रेशियो तो बन गया 18:1, तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा भाई, सभी लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो क्या, कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली। तो ये 1:18 बन जाएगा, बस इतना ही समझने वाला पॉइंट था। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे किया करोगे पेपर में आप, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट करोगे आप। 1:18 आ गया। अब आपको सीधी सीधी सी बात कही गई है कि उसने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में आपने ये कहा है कि उसकी ध्वनि की गति, ध्वनि की गति यानी कि जो आपने बुलेट फायर की है उसकी ध्वनि की जो गति है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ कार की गति कितनी है, आपके अकॉर्डिंग कितनी है 18, तो कार की कितनी है 1, तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 18:330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, बस वही आंसर है 330 × 18/5/18, 18 से कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 66 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसकी स्पीड हुई, कार की स्पीड हुई। क्लियर हुई इतनी बात, इसको पहले अच्छे से आप समझ लो। मैंने ये कहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब ये आदमी यहाँ से चल रहा है तो इसको इस पॉइंट तक पहुँचने में 27 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, और ये बुलेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड का समय लेती। तो आप ये देखो जितनी देर में ये यहाँ पहुँच रही है
उतनी देर में ये कितनी कितना समय लगा रही है उतनी दूरी कवर करने के लिए, 27 मिनट का समय लगा रही है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुई ना ये वाली, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हुई तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो इसका रेशियो हो गया 18:1, तो स्पीड का रेशियो हो गया 1:18, ठीक है। अब 18 की वैल्यू हमको दी गई है कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमको निकालना किसमें है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी तो कितनी निकली, 66 किलोमीटर पर आवर्स, और यही हमारी किसकी है, कार की स्पीड है, क्लियर है। अब पेपर में कैसे कर दोगे इसको वो देख लो, ठीक है। पेपर में इस क्वेश्चन को अगर ये आता है तो इतना सब कुछ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप ये देखोगे जो कम टाइम है और दोनों का डिफरेंस क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि दोनों में जैसे 28 मिनट 30 सेकंड है, उधर 27 मिनट है, तो जो पहला वाला टाइम है उसके बाद जो टाइम है जैसे 27, उसको लिखो सीधा सीधा, और उसके बाद 28 मिनट 30 सेकंड और 27 मिनट का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया आपका 1/2। इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 3/2, और आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो सीधा सीधा, ये कितना आ जाएगा 18:1। अब आपका इतना तो दिमाग काम करता होगा भाई कि कार की स्पीड उसकी स्पीड से स्लो होगी, ये तो आपका सीधा सीधा दिमाग काम कर जाएगा भाई, कार की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये तो हो गई स्पीड किसकी, बुलेट की, और ये किसकी हो गई, कार की। तो 18 की वैल्यू आपको दी गई है और 1 की वैल्यू निकालनी है, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, यानी कि सिंपल सा आपको करना है कि छोटे वाली वैल्यू को उठाओ, बड़ी वाली को उठाओ, दोनों का डिफरेंस ले लो छोटी वाली के साथ और डिफरेंस के साथ, उसके बाद जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारी कार की नहीं होगी, छोटी वाली कार की होगी और दूसरी वाली निकाल देंगे। अब जरूरी नहीं कि कार और यही लिख कर आए, कुछ और भी आ सकता है, वरना आप उसको पकड़ के बैठ जाओ नहीं कार और यही आएगा, इसी का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज कर सकता है इनकी जगह, ठीक है, लेकिन यही होगा तरीका, यही होगा करने का आपका। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग करेंगे एलिगेशन से सॉल्व, ठीक है, एलिगेशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसमें, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सिर्फ हमारी लैंग्वेज का ही खेल है, अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो समझो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि एक आदमी है मैन है कोई, वो 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा आगे कहा गया है कि कुछ दूरी वायुयान से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से, ठीक है, यानी कि इस 360 के अंदर कुछ दूरी तो वायुयान से चली गई होगी और कुछ दूरी रेलगाड़ी से चली गई होगी। आगे कहा गया है कि यदि संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की गई होती तो गाड़ी से बिताए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुँच गया होता, यानी कि 4 घंटे में पहुँचता है टोटल मिला के अगर दोनों लोग चलते हैं अपनी अपनी, लेकिन टोटल अगर एरोप्लेन के द्वारा चलाई गई होती तो वहाँ पर होता क्या कि 2 घंटे पहले पहुँच गए, यानी कि 2 घंटे बचा लिए होते। ये कैसे बचते, अगर मैं मान के चलता हूँ कि गाड़ी है, कोई कार है, उसका 4/5 भाग बचा लिया जो किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर है, 2 आवर्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कार के द्वारा लगा हुआ समय आपको पता चल जाएगा 10/4, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, 2/5 आवर्स, यानी कि कार के द्वारा लगा हुआ समय कितना है, 2.5 आवर्स, ठीक है। अब अगर कार के द्वारा 2.5 घंटे लगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरोप्लेन के द्वारा कितना लग रहा होगा, तो एरोप्लेन के द्वारा लग रहा होगा 4 घंटे टोटल लग रहा है, माइनस 2.5 आवर्स कर दो इसमें से, तो आपका निकल के आ गया 1.5 आवर्स। ये किसके द्वारा लग रहा होगा, ये एरोप्लेन के द्वारा लग रहा होगा, ठीक है। अब हमको पता है कि एरोप्लेन जब 2 घंटे में पहुँच जाता है, संपूर्ण दूरी अगर 360 खुद ही तय करता है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एरोप्लेन की स्पीड, स्पीड अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, किसकी, एरोप्लेन की, कितनी निकल जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा,
कैसे समझ में आ रहा है आपको, कि उसने बोला कि संपूर्ण दूरी अगर एरोप्लेन से ही चलाई गई होती तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता, और पहले कितने में पहुंच रहा है, 4 घंटे में पहुंच रहा है, तो अब 2 घंटे में पहुंचेगा तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा, अगर इसकी स्पीड इतनी है और इसे समय लग रहा है कितना, 1.5 आवर्स, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 180 × 1.5 आवर्स, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा हमारा 90, इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 270 किलोमीटर। अगर 360 में से 270 किलोमीटर तो अगर एरोप्लेन के द्वारा किया गई कवर, तो फिर डिस्टेंस ऑफ कार, कार के द्वारा कितनी की जाएगी, आपकी टोटल 360 है, इसमें से 270 हटा देंगे तो ये कितनी बच जाएगी, 90 किलोमीटर। यही आंसर है 1 और 2, इनकी सेपरेट सेपरेट इनके द्वारा कितनी कितनी दूरी चली गई, 90 किलोमीटर, इसके द्वारा 270 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जब मैं एलिगेशन आपको समझाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम और स्मार्ट तरीके से एलिगेशन से किया जा सकता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलता होगा, और ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आता है, ये मेंस में भी आ जाता है, लेकिन प्रीलिम्स का तो फेवरेट है, ये आता ही रहता है, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या कोई भी आपका एमपी का पेपर हो, यूपी का हो, किसी में भी। ठीक, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि मैंने आपको बताया था, आपका रिलेटिव डिस्टेंस वाला। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 लड़के आर तथा एस एक नियत समय पर सुल्तान नगर से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं, यह दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, सुल्तान नगर से मेरठ की तरफ जा रहे हैं 2 लड़के, और ये टोटल दूरी कितनी दी गई है, 60 दी गई है। ठीक है, तो देखो समझते भी जाते हैं और करते भी जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पेन भी नहीं चलाना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ पेन ही चलाते रहोगे। ठीक है, आंसर नहीं निकाल पाओगे, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो पेन भी नहीं चलाओगे और आंसर भी आ जाएगा। 2 लड़के R तथा S एक नियत समय पर सुल्तान नगर से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं, यह दूरी 60 किलोमीटर है, यानी कि सुल्तान नगर से मेरठ तक की दूरी जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, और 2 लोग हैं, R है और S है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला गया है कि S की चाल 4 किलोमीटर ज़्यादा है R से, यानी कि R की चाल S की चाल से 4 किलोमीटर धीमी है, यानी कि R स्लो चलता है, S तेज चलता है। उसके बाद कहा गया कि एस मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस भी चल देता है, और वापसी में वह मेरठ से 4 किलोमीटर की दूरी पर आर से मिलता है। तो देखो, ये एस यहां पहुंचा और यहां से वापसी में 4 किलोमीटर और चल लिया, और यहां पर किससे मिल गया, ये आर से मिल गया, यानी कि आर और एस की यहां पर मुलाकात हो गई, लेकिन साथ में चले थे यहां से। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि एस यहां से चला था और आर भी यहां से चला था, तो यहाँ से R सिर्फ यहीं तक पहुँच पाया, और S क्या किया, यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से वापस भी यहाँ तक आ गया। बात ये हुई कि जितने समय में S यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उतने ही समय में R यहाँ से यहाँ पहुँचता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने और उतने का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आ जाए, समझ लो वहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर देखो, टोटल 60 किलोमीटर S ने चल ली, और उसके बाद 4 किलोमीटर और चल ली, तब तक ये केवल कितनी चल पाया, 56 किलोमीटर ही चल पाया। तो मैं यहां से यह कह सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो अगर मैं देखूं तो R और S की बात करते हैं, किसकी, R और S की। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है, तो R कितनी कवर कर देता है, 56 किलोमीटर, और S कितनी कवर कर देता है, 64 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, कि R कर देता है 56 किलोमीटर और S कर देता है 64 किलोमीटर, और जितने और उतने का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम हो रहा है यहाँ पर कांस्टेंट। अगर इनका रेशियो मैं निकालने के लिए जाऊँ तो 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8, 7, 8 और 8, इनकी रेशियो कितना बन गया, 7:8। तो जिस तरीके से आपको बताया कि डी इज इक्वल टू एस इंटू टी से अगर ये कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम हमारा, डिस्टेंस और स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया यहाँ से, 7:8। क्लियर है बात इतनी आपको। अब उसने बोला है हमसे कि R और S के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड का, वो 4 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यूनिट के फॉर्म में डिफरेंस हमारा निकल रहा है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 1 की वैल्यू हमको दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे R की निकालनी है, R की कितनी है, 7,
तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 7 यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, यानी कि यहां पर हो ये रहा था कि जितने समय में एस 64 किलोमीटर चल रहा था उतने समय में आर 56 किलोमीटर चल रहा था। आर और एस का डिस्टेंस हमारा क्या है 56 और 64, और टाइम कांस्टेंट था तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो 7 और 8, यहां से इसकी 7 यूनिट अगर स्पीड है तो इसकी 8 यूनिट स्पीड है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो 7 यूनिट कितना आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आर की स्पीड आ गई 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। जितने भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने के 90% चांस हैं आपके, इतने ही कॉन्सेप्ट के साथ। बात कॉन्सेप्ट की होती है, ये नहीं होती है कि अब राम लिखा हुआ है तो राम लिख कर आ जाए, 64 है तो 64 आ जाए, ये नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका 90% यहीं से फंस जाएगा सिर्फ इतने ही क्वेश्चन से आपको, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ने की कोशिश करें आप लोग, क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा चोर और पुलिस का क्वेश्चन आता है कि चोर चोरी करके भागा, पीछे उसके पुलिस भाग रही है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगर आप इसे सोचोगे तो तुरंत हो जाएगा विदाउट पेन। देखो कैसे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी पी मुंबई से दिल्ली के लिए 12 बजे मध्यांतर यानी कि 12 बजे वो चलती है यानी कि दोपहर में, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है। रेलगाड़ी आर है उसी रास्ते पर यानी कि 3 घंटे बाद चल रही है, यानी कि कोई रेलगाड़ी 12 बजे चल गई, उसके 3 घंटे के बाद कोई दूसरी रेलगाड़ी चली, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वो पहली वाली रेलगाड़ी को कहाँ क्रॉस कर देगी, कहाँ मिल जाएगी, ये हमको बताना है। एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाओ कि एक चोर है, मान के चलो कि 12 बजे उसने चोरी की, दोपहर के 12 बजे चोरी की उसने, और उसके बाद वो दौड़ा, ठीक है, और दौड़ रहा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आसपास के थाने में ये बात पता चली और वहाँ से पुलिस वाला 3 घंटे के बाद यानी कि 3 बजे उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, और वो दौड़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ऐसा आप मान के चलो। तो वो पुलिस वाला उस चोर को कब पकड़ लेगा, तो ये बताओ कि हर घंटे वो उससे 15 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है, तो 15 किलोमीटर हर घंटे ज़्यादा, 2 घंटे में 30 किलोमीटर इस तरीके से आगे आगे। तो ये पता करना है सबसे पहले तो कि चोर आगे कितना पहुंच गया था। तो ये बताओ 3 घंटे तक चोर दौड़ा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितना दौड़ गया, 135 किलोमीटर। यानी कि मान के चलो कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी 135 किलोमीटर आगे खड़ी हुई है, पहुंच गई, अब दूसरी वाली रेलगाड़ी उसके पीछे भागी, दोनों चल रही हैं, अब रिलेटिव स्पीड लग गई, तो 15 किलोमीटर हर घंटे दूसरी वाली ज़्यादा चल रही है। तो 135 को कवर करने के लिए उसे टोटल कितना समय लगेगा, 9 घंटे लगेंगे। कितना, 135 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 15 कर दोगे, तो 9 घंटे लगेंगे। और इस 9 घंटे में या 60 किलोमीटर के हिसाब से आपने कितनी दूरी कवर कर ली, तो 9 × 6 कर दोगे तो 540 किलोमीटर। तो बात हमको समझ में आ गई कि हम 9 घंटे के बाद उसे पकड़ लेंगे, तो 3 बजे से लेकर 9 घंटे के बाद अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो कितने बजे पकड़ लेंगे, 12 बजे पकड़ लेंगे। बात समझ में आ गई, मैंने पेन भी नहीं चलाया और क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेपर में करना है इसको। देखो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन है और वो ट्रेन है पी, ठीक है, मुंबई से चलती है और यहाँ से वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है। दूसरी ट्रेन है यहाँ से चलती है, ये चलती है 12 बजे चलती है ये, और दूसरी वाली चलती है 3 बजे और वो चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये बताओ कि जब ये वाली ट्रेन चलना चालू की होगी तब तक ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई होगी, 3 बज रहे होंगे, यानी कि 3 बजे पी वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई होगी। इसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर कर ली होगी, 45 × 3 यानी कि 135 किलोमीटर। कितनी, 135 किलोमीटर।
बात समझ में आ गई आपको। अगर ये 135 किलोमीटर आगे पहुंच गई, अब इसने चलना चालू किया, तो इसको इसे कवर करना है, इसे पकड़ने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ कहीं जाके ये इसे पकड़ेगी, तो कितने टाइम में पकड़ लेगी? तो देखो एक्चुअल में उसे 135 किलोमीटर दूरी को कम करना है, किसकी? दूसरी वाली को। तो सीधा सीधा लिख देंगे 135 डिवाइडेड बाय यानी कि 60 माइनस 45, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड से क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 घंटे। तो 3 बजे चली थी, 3 बजे के बाद अगर मैं देखूं 9 घंटे इसमें ऐड कर दूं तो मुझे पता चल गया कि 12 बजे वो उस ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यानी कि यहाँ से मैंने निकाला कि 9 घंटे में पकड़ लेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बज रहे हैं, उसके बाद 9 घंटे अगर उसमें ऐड कर देंगे तो 12 बजे वो पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो स्टेशन पी एवं क्यू के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। यहां पर भी आपकी रिलेटिव डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे इसमें आपने देखा था सामने जा रहे थे, इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं दोनों। यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि दो स्टेशन पी एवं क्यू के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी पी से चलती है एवं क्यू की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यानी कि पी से चलना चालू करती है, क्यू की तरफ बढ़ती है और उसकी स्पीड औसत है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली जो ट्रेन है, दूसरी वाली ट्रेन क्या करती है, क्यू से पी की तरफ बढ़ती है और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह 20 मिनट पहले चल जाती है। यानी कि जो पी से चल रही है ट्रेन, उससे 20 मिनट पहले क्यू से ट्रेन चल जाती है। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे ये निकालना हो कि एक ट्रेन इस पॉइंट पर है, एक ट्रेन इस पॉइंट पर है और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो कब मिलेंगी? तो ये तभी निकाला जा सकता है जब दोनों सेम टाइम पर चल रही हों। दोनों अगर सेम टाइम पर चल रही होंगी तो टोटल डिस्टेंस में हम डिवाइड कर देंगे उसका क्या, उसकी रिलेटिव स्पीड से, तो हमको घंटे पता चल जाएंगे कि कितने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा गया है कि एक 5 बजे चल रही है, एक 7 बजे चल रही है, या एक 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो वाली जो ट्रेन है जो 20 मिनट पहले चल रही है, वो 20 मिनट तक केवल सिंपल उसे चला देंगे और टोटल डिस्टेंस में से उतनी डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि एक 5 बजे ट्रेन चल रही है, दूसरी 7 बजे चल रही है, तो या तो 7 बजे वाली ट्रेन को पीछे 5 बजे पे ले जाओ तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, या फिर 5 बजे वाली को 2 घंटे चला दो तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, उसके बाद उनका ये कॉन्सेप्ट लगाओ कि कितने देर में मिल जाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो आप, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इसमें कहा गया है आपसे कि एक पी पॉइंट से चलती है और एक क्यू पॉइंट से चलती है, एक पी पॉइंट से चलती है, एक क्यू पॉइंट से चलती है। जो पी पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो क्यू पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब उसने कहा है जो पी से चलती है और जो क्यू वाली है वो 20 मिनट पहले चल जाती है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमको दी गई है वो दी गई है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो एक बात बताओ कि जो क्यू से चल रही है वो अगर 20 मिनट पहले चल जाएगी तो 20 मिनट में ये कितनी चल जाएगी? बड़ा आसान है निकालना, देखो 60 मिनट में कितनी चल जाएगी, 90 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दूँ और यहाँ भी 3 का डिवाइड कर दूँ तो 20 मिनट में कितनी चल जाएगी, 30 किलोमीटर। यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच कर 30 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगी, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जिसमें हम ये लगाएंगे कि रिलेटिव स्पीड इतनी होगी और डिवाइड करके हम उसका टाइम निकाल देंगे। तो 600 में से इसको हम माइनस कर देंगे, 600 में से जब हम 30 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 570 किलोमीटर। अब टोटल जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो 570 किलोमीटर पर लगेगा। ठीक है, कितने पे लगेगा, 570 किलोमीटर पर। अब 570 किलोमीटर पर टाइम कितना लगेगा इनको मीट, मतलब मिलने का समय क्या होगा, मीटिंग टाइम इनका क्या होगा, वो होगा 570 अपॉन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 100 और 90 यानी कि 190, जीरो से जीरो हो गया, 19 से कैट, तो 3 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितने घंटे के बाद मिल जाएंगे, 3 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो बताना ये है कि मिलने के बाद
पी से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिल रही हैं, यानी कि पी पॉइंट से कितनी दूरी पर मिल रही हैं। तो पी पॉइंट कहां पर है? यहां। और पी पॉइंट से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे के बाद मिल रही है? 3 घंटे के बाद। तो 3 घंटे में कितना चल देगी? 300 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। तो कितने के बाद मिल जाएंगी ये? पी से ये पॉइंट पे मिल जाएंगी 300 किलोमीटर की दूरी पर। यही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप पढ़िए उसे। और आप लोग एक काम किया करो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो पॉज किया करो, उसे करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, अगर कर लोगे तो। अगर नहीं भी करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा तब, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक ट्रक 210 किलोमीटर दूरी 14 घंटे में तय करता है, यानी कि टोटल 210 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय कर लेता है। अब वो दो तरीके से तय करता है, कुछ दूरी तो वो तय करता है रोड से और कुछ दूरी तय करता है जंगल से। तो रोड से तय करता है जब वो, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और जब वो जंगल से तय करता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो हमको ये बताना है कि जंगल से तय की गई दूरी क्या है। तो ऐसे केस में हमेशा आप याद रखो कि कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दो आप, क्योंकि दूसरे तरीके से जाओगे थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, एलिगेशन से तुरंत हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे केस में एलिगेशन लगा दो आप। देखो जैसे कि एक रास्ता है आपका रोड, जिसको मैं आर से नाम दे देता हूँ, जंगल है जिसको मैं जे से नाम दे देता हूँ। रोड से जा रहा है तब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब जंगल से जा रहा है तब उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि जो बीच में जो वैल्यू आती है एलिगेशन के, जब मैं एलिगेशन समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब एलिगेशन के बीच में जो वैल्यू आती है वो हमारी एवरेज वैल्यू होती है। तो उसने जैसे बोला है कि 210 किलोमीटर 14 घंटे में, तो एवरेज स्पीड अगर आप दोनों से निकाल दोगे इसकी, तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से 210 डिवाइडेड बाय 14 किलोमीटर पर आवर्स। इसको सॉल्व करते हैं तो अगर 7 से कैंसिल करें तो 2 आ जाएगा, और 7 और 30 और 2 से कैंसिल करो तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई इसकी बीच की। अब आपको पता है जैसा कि इसको सॉल्व कर दोगे एलिगेशन को, तो 20 में से 15 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि आपको एक बात पता चल गई कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई निकल के यहाँ पर? 5:5। ये हमारा टाइम की वैल्यू निकल कर आई। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पर हो जाता है बच्चों को, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है तुरंत। आप लोगों को एलिगेशन रटा हुआ है, तुरंत नीचे वैल्यू आएगी 5:5, आप कैंसिल आउट करोगे इसको और तुरंत बोल दोगे कि आंसर हमारा आ गया कि 210 किलोमीटर का आधा आधा कर दो, दोनों से तय की गई, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि एलिगेशन हमेशा जहां भी लगाया जाता है वहां याद रखना आप लोग, जैसे मैंने यहां पर स्पीड ली है तो स्पीड बराबर हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टाइम के। हम जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसके से भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हमेशा याद रखना कि वही चीज़ हमारी यहाँ पर निकल कर आती है रेशियो में। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, ना कि डिस्टेंस की, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बचने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, यही हमको सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं। क्योंकि आप पेपर बहुत अच्छा करके आए हो और ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ जाओ जो आपको बहुत अच्छे से आता है छोटी सी मिस्टेक से, तो उनसे बचने की कोशिश करो। तो ये आ गया 1:1। अब ये 1:1 क्या हो गया? इसका टाइम हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर 1:1 टाइम हो गया तो स्पीड का अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया 10:1 और 20:1 20, यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो आया वो 1:2 निकल कर आया। किसका? यहाँ से आ गया ये रोड और ये आ गया जंगल। अब मुझे निकालना ये कि जंगल के रास्ते उसने कितनी दूरी तय की। तो एक बात बताओ, 1 और 2 3, तीन यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? टोटल 210 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो कितनी निकल के आ जाएगी? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको यहाँ पर? 210 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70 किलोमीटर। कितनी आ गई? 70 किलोमीटर। और आपको निकालना 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 140 किलोमीटर। और यही 140 किलोमीटर उसने जंगल के द्वारा तय की है, और 1 यूनिट किसके द्वारा तय की है? रोड। यानी कि 70 किलोमीटर उसने किसके द्वारा तय की है? रोड के द्वारा। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे अब इस क्वेश्चन पे ना। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अब यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो समझो। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है कि इसमें वो डिस्टेंस का आपसे रेशियो पूछेगा,
तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होता, 1:2, तो वो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता। कुछ लोग क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन 1:1 मिलेगा और लगा के आगे बढ़ जाएंगे और बड़े खुश होकर आएंगे और काउंट भी कर लेंगे कि हमारे दो नंबर पक्के हो गए। मेंस का अगर पेपर है, प्री का है, तो भी अगर जैसे बैंक एंक का दे रहे हैं तो एक नंबर डेढ़ नंबर जो भी है वो पक्का हो गया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये आपकी सिली मिस्टेक है, यहाँ पर आपको टाइम का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो नहीं है। ठीक है, मैं बार बार इस पर अगर जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर लोग गलती करते हैं, तो आप लोगों को नहीं करनी है। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि वैभव 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे एक घंटा का समय कम लगता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करो। बेहद आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखो, एस इंटू एस प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू टाइम डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते बहुत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे उसने बोला है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस हमको 600 किलोमीटर दी गई है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में वैभव 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी कि पहले एस से चल रहा होगा, अब एस प्लस 20 की स्पीड से चलेगा डिवाइडेड बाई 20, तब उसे एक घंटे का कम समय लगता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 आवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इधर लेकर आइए, तो ये बन जाएगा हमारा 12000 और यहाँ आ गया एस इंटू एस प्लस 20। ठीक है, अब ऑप्शन उठाओ और आंसर ले लो, यानी कि ऑप्शन रखो और आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एस की वैल्यू यहाँ पर 100 रखता हूँ, तो 100 और 120 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 100 किलोमीटर पर आवर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बेहद आसान तरीका बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया तरीका। देखिए जैसा कि कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और तब वह अपनी चाल से 4/5 से आगे बढ़ती है, यानी कि अपनी चाल के 4/5 से आगे बढ़ती है और अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, यानी कि वो जिस चाल से चल रही थी, 50 किलोमीटर चलने के बाद वो एक्सीडेंट हो गया उसका, जिसकी वजह से उसने अपनी चाल क्या कर दी, 4/5 कर दी, यानी कि पहले अगर 5 यूनिट से चलती थी तो अब 4 यूनिट से चलने लगी, जिसकी वजह से जहां उसे पहुंचना था वहां वो 45 मिनट देरी से पहुंची। लेकिन अगर वही ट्रेन अगर उस जगह से जहां एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट से 20 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता उसका, तो वही ट्रेन 12 मिनट देरी से पहुंचती। यानी कि एक बात बताओ आप कि पहले वो 45 मिनट देरी से पहुंच रही थी, 20 किलोमीटर चलने के बाद वो 12 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी कि उसने सीधा सीधा 33 मिनट बचा लिए। ठीक है, कितनी दूरी में 33 मिनट बचा लिए उसने 20 किलोमीटर की दूरी में 33 मिनट बचा लिए। अब सिर्फ क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप एक चीज देखो, यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि पहले एक्सीडेंट यहां पर हुआ होगा, अब एक्सीडेंट यहां पर हुआ होगा, और यहां से यहां तक की दूरी 20 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। अब यहां से एक पॉइंट समझने वाला यह है कि मान लेते हैं कि पहले जो ओरिजिनल उसकी स्पीड थी, स्पीड का रेशियो लेकर चलते हैं हम लोग, तो एक ओरिजिनल वाला केस था और एक करंट वाला केस था, यानी कि पहले अगर वो चल रही थी 5 यूनिट से, तो अब चलेगी 4 से। तो बात तो ये समझो कि 20 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस सेम है। तो टाइम का अगर बात करें हम, तो 4 यूनिट लग रहा था तो अब कितना लग रहा होगा, 5 यूनिट लग रहा होगा, 4 यूनिट लग रहा था तो अब 5 यूनिट। तो इतने बीच में जब वो 5 यूनिट यानी कि ओरिजिनल स्पीड से चलती है, तब उसे जितना समय लगता है, उसके बाद करंट यानी कि कम हो जाने के बाद वो जिस स्पीड से चलती है, उन दोनों में उसे 33 मिनट का फर्क आता है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट पहले लेट हो रही थी, अब सिर्फ 12 मिनट लेट हो रही है, तो जो भी फर्क आ रहा है वो यहां से यहां तक आप किस तरीके से चल रहे हो इसमें आ रहा है। इसके पहले और इसके बाद से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से यहां तक आप 50 किलोमीटर चलकर आए, वो कैसे चलकर आए, इसके आगे आप किस तरीके से गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। अब एक चीज आप यहां से देख पा रहे होंगे कि उसने बोला है 33 मिनट का अंतर, ये हमने फाइंड किया,
और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 33 मिनट। तो ओरिजिनली उसको टाइम कितना लग रहा होगा 4 × 33 मिनट और बाद में कितना लग रहा होगा 5 × 33 मिनट। ये बात समझ में आ गई आपको, यानी कि पहले उसे समय लग रहा होगा 4 × 33 मिनट और अब लग रहा होगा 5 × 33 मिनट। उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताओ, तो ये जो 4 × 33 मिनट उसे समय लग रहा है ये कितनी दूरी कवर करने में लग रहा है, ये उसे लग रहा है 20 किलोमीटर की दूरी। ये कितने में लग रहा है 20 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। तो अब आप यहां से एक बात समझो कि एक यूनिट की वैल्यू अगर यहां से 33 मिनट आ गई और यहां से चार यूनिट की वैल्यू 4 × 33 मिनट आ गई, तो अब 20 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, तो d इक्वल टू s इंटू t से अगर मैं स्पीड निकालने के लिए जाऊं तो डिस्टेंस यानी कि हमारी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर और टाइम कितना हो जाएगा हमारा लिखा हुआ है 4 × 33 मिनट। अगर इसे मैं आर्स में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा और 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। चार से अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो कितनी बार जाएगा 15, और अगर मैं 15 को 3 से कैंसिल करूंगा तो ये हमारा कितनी बार जाएगा 11, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5, 3 से किया तो 5 और यहाँ कितना आ गया 11, और 20 और 5 कितना हो गया 100/11 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात आपको कि नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको, अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस होती तो। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि पहले 50 किलोमीटर के बाद जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है, तो दोनों के बीच में उसे 33 मिनट के समय का अंतर आ जाता है। जब 33 मिनट के समय का अंतर आ जाता है वो किस वजह से आ रहा है, उसकी ओरिजिनल स्पीड और बाद में जो कम हुई स्पीड की वजह से आ रहा है। तो अगर इस 20 किलोमीटर को अगर हम फिक्स मान लें, एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मान लें इसको, तो स्पीड का रेशियो हो गया 5:4, तो टाइम का रेशियो हो गया 4:5, और 4:5 में अगर एक यूनिट की बात करें तो 33 मिनट आ गया। कितना आ गया 33 मिनट। तो पहले टाइम कितना लग रहा था 4 × 33 मिनट, पहले कितना लग रहा था जब वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था, तब उसे 20 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 4 × 33 मिनट लग रहा था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है 4 × 33 मिनट। अगर मुझे यही डिस्टेंस में 20 किलोमीटर में इसी समय से अगर मैं निकालूं तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी, तो स्पीड कितनी निकल के आ गई ओरिजिनल हमारी 100/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बार बार आप पढ़िएगा, पेपर में आपको जरूर मिलेगा ये, ठीक।